साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी थाना इलाके के मदनशाही गांव में एक मगरमच्छ आ गया। इसे ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ गंगा से बहकर गांव में घुस गया। मगरमच्छ जब मुर्गी को पकड़ने के लिए घर के पास से निकला तब लोगों की नजर उस पर पड़ी। नदी से निकल के वो आ गया छोटा पांगलो के पास, जो है स्कूल के पास बगल में आ गया। वो लाके रात में ही आ गया था। सुबह ग्रामीण लोग देखा तो देखकर जो है कुछ लोग भागा देख के, तो इसके बाद जो है वन विभाग को हम लोग को सूचना दिया। तो हम लोग जो है स्टाफ और फोर्स लेके आए। तो गंगा का पानी गांव में घुसने के बाद जब पानी वापस चला गया लेकिन मगरमच्छ गांव में घुसा रह गया। मगरमच्छ को लोगों ने पकड़ा है। जिमीडिया संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या मगरमच्छ को वन विभाग को सौंपा गया है और क्या और भी मगरमच्छ या फिर दूसरे कोई जानवर वहां पर हो सकता है? जी राजी, ये बता दो कि साहेबगंज के मदनशाही गांव है जो गंगा किनारे से सटा हुआ एरिया है। गंगा, चूंकि इन दिनों गंगा का पानी काफी उफान पे है, काफी गंगा का पानी बढ़ा हुआ है, तो जिस कारण नाले से होकर के मगरमच्छ जो है वो गांव में प्रवेश कर गया था, जिसे ग्रामीणों ने है उसको पकड़ करके वन विभाग को खबर के और वन विभाग को सौंप दिया। लेकिन ग्रामीणों की अगर हम लोग बात माने तो अभी भी उस गाँव में 2 से 3 के आसपास में मगरमच्छ और है जिसे पकड़ने की जरूरत है। अगर नहीं पकड़ा गया तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। हालांकि इसको लेकर के वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि वह बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा और सर्च ऑपरेशन चलाकर अगर मगरमच्छ है या और भी कोई जानवर है तो उसे पकड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।